एक माता पिता जिनकी गोद में एक बेटी है कई सारे बैग लेकर एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हैं। हमारी गुड़िया के कितनी अच्छी फ्रॉक मिल गई ना, बर्थडे पे पहनेगी हमारी गुड़िया। हमारी गुड़िया 1 साल की होने वाली है, टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, अब गुड़िया के जूते लेने हैं, ग्रैंड मॉल में जूतों की सेल लगी है, टीवी पे एड देखा था। हाँ, एड मैंने भी देखा था, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। तभी एक लड़का गुब्बारे बेचता हुआ उनके पास आता है। बैलून 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 बैलून, इधर लाओ सारे गुब्बारे। ये लीजिए अंकल। अंकल मत बोलो मुझे। इतना कहते हुए वह आदमी उस बच्चे से सारे गुब्बारे लेकर उन्हें फेंक देता है। अंकल, ये आपने क्या किया, मेरे सारे गुब्बारे फेंक दिए। मेरी बेटी को गुब्बारे दिखा के रुलाते हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़का रोते हुए गुब्बारे पकड़ने के लिए ट्रैफिक की तरफ भागता है। तभी एक लड़की पीछे से आकर उसे रोकती है। अरे बेटा रो मत, अंकल ने मेरे सारे गुब्बारे फेंक दिए, मैंने 25 रुपए में खरीदे थे, मेरी माँ बहुत मारेगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको इसके पैसे दे दूंगी, तुम रो मत और यहीं रुको। आपको शर्म आनी चाहिए इतने से बच्चे के साथ ऐसा करते हुए। ये छोटा बच्चा बहुत चालाक है, मेरी बेटी को बैलून्स के लिए ललचा रहा था। आपने अपने हाथ में बैग्स देखे हैं? क्या आप दुकानों पर जाकर नहीं ललचाए? टीवी और बिलबोर्ड्स के बड़े बड़े एड देखकर आप भी तो ललचाते हैं। मुझे ज्यादा सीख देने की जरूरत नहीं है, इतने से बच्चे को काम पर लगाया हुआ है, इसके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। गरीब को शर्म दिलाने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए, इतने से बच्चे पर जुल्म करना कहाँ की समझदारी है। क्या गुड़िया के पापा का गुब्बारे वाले बच्चे के साथ ऐसा सलूक करना उचित था? दुनिया भर के तकरीबन 2.2 अरब बच्चों में से करीब आधे या हर दूसरा बच्चा गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है।